वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली, आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल जो कि वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफी अच्छा लगेगा। तो अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अच्छी बात, सेल्फ हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ आज, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप खुद से भी कोई नहीं मिल रहा हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो आप खुद से भी ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, स्किन प्रॉब्लम से ऑल रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको उस चैनल पे मिलेंगी। इंस्टा आई डी 324 है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलते इसके लिए वाइस वाली गाइज, प्लीज इग्नोर एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश करूँगी मैं अपनी वॉल्यूम थोड़ा स्लो एंड थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं हाई बन बनाने के लिए आज ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट से थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है। इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे दोनों साइड से। ओके, अभी सारे हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम आपको पूरा हाई पोनी हाई पे करना है। क्राउन एरिया तक कॉम करके लेके आएंगे वालों को, और एक रबर बैंड लगा देंगे। पोनी का हेयर जो है उसको थोड़ा सा टाइटली लगाएंगे रबर को। ओके, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर खींच लेंगे। ताकि फ्रंट में जो है वो थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। अब आपको बैक के जितने भी हेयर हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड कर देना है। टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो फ्रंट का हेयर है, मतलब आगे वाला हेयर, उसको बैक कॉम्बिंग देनी है। इस तरीके से बैक कॉम्बिंग देने से क्या होता है, वॉल्यूम आ जाती है बालों में, एंड जो हम बन बनाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो पीछे का जो हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था उस हेयर को छोड़ेंगे, और जिसमें बैक कॉम्बिंग की है उसको ट्विस्ट करेंगे, और इस तरीके से चारों तरफ से आप वेट देंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। दो तीन जितना यू पिन लगाने में अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो यूपिन से ही सिक्योर कर लिया है। अब जो बैक का हेयर था उसको सिंपली फ्रंट से बैक तक लेके जाएंगे, ताकि जो हमने बैक कॉम्बिंग की थी वो हमारी हाइड हो जाए, और जो हमारा बन है वो अच्छा दिखे, क्लीन दिखे एकदम। तो इस तरीके से लगा दिया है मैंने बन के चारों तरफ लपेटते हुए, बैक कॉम्बिंग वाले हेयर को अच्छे से थोड़ा सिक्योर करते हुए धीरे धीरे सेट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा बड़ा सा बन बन गया है मेरे छोटे बालों में। अब जो फ्रंट के हेयर हैं उनको क्या करना है, आपको सिंपली फ्रंट का जो हेयर है, इस साइड का हेयर है, इसको ऐसे कॉम करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और नीचे से लेके आएंगे फ्रंट, ऊपर से नहीं, जैसे इस साइड से नहीं लेके जाना है, इधर से लेके जाएंगे। आपको सेटिंग स्प्रे लेनी पड़ेगी, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा ये बन। आप इसको ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ये हेयर स्टाइल। अब इसको बैक साइड से लेके जाएंगे, और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अच्छे से देख लीजिए, कहीं से भी आपका बेबी हेयर दिख रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कहीं से भी बेबी हेयर्स नहीं दिखने चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको आप अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हेयर स्टाइल ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए है, वेस्टर्न ड्रेस के लिए है, तो पूरा क्लीन होना चाहिए। ऑफिस में तो आपको एकदम
क्लीन लुक चाहिए, जिससे कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छा दिखे एंड आपका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखे। अब इस साइड के जो हेयर हैं इनके लिए भी आपको पहले सेटिंग स्प्रे ले लेना है। इस तरीके से कॉम करेंगे, फ्रंट से थोड़ा सा सिल्क लुक देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे बालों को, बिल्कुल फ्लैट सिल्क लुक देना है आपको फ्रंट के हेयर को। अच्छे से कॉम करते हुए बैक साइड में ले जाएंगे। ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए स्पेशली ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। बैक से हेयर को लेके आएंगे, अच्छे से कॉम करते जाएंगे। टाइट ही रखना है, पूरा लूज नहीं होना चाहिए आपका जो हेयर स्टाइल है वो। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने अभी सेट किया है इसको, अभी वो फिर से इसको सिक्योर करेंगे एंड पार्ट को। जहाँ जहाँ आपको अनमैनेज लग रहे हैं हेयर वहाँ पे आप लूपिंग लगा के जाओ। तो ये है बन का फाइनल लुक, बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, बिल्कुल न्यू है एंड काफ़ी अच्छा लगेगा ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए, स्टाइलिश भी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको कैसा लगा आज का ये हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हेयर स्टाइल जो है ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, और जो भी ऑफिस जाती है लड़कियाँ उनको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत होती है तो ये हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करवाया है तो स्ट्रेट करवाया है तो आप स्ट्रेट भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप स्ट्रेट बालों में मतलब खुले बालों में अनकम्फर्टेबल फील करते हो तो ये हेयर स्टाइल आपके लुक को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना देगा और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।